फाइनली रियलमी ने अपना एक और नया स्मार्टफोन रियलमी 12 प्लस 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ मोटोरोला कंपनी का पॉपुलर स्मार्टफोन मोटो G54 5G, वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 6000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ रियलमी के 12 प्लस 5G को 19999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरियंट को बाय कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G को सिर्फ 13999 रुपए की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाय कर सकते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एक स्मार्टफोन के लिए उसका प्रोसेसर काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, अपने अपने प्राइस में इन दोनों स्मार्टफोन में काफी अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक तरफ मोटो G54 5G में मीडियाटेक का डायमेंसिटी 7020 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Realme 12 Plus 5G में MediaTek का Dimensity 7050 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो इन दोनों स्मार्टफोन में से आप लोगों को Realme के 12 Plus 5G में बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। वही इन दोनों स्मार्टफोन का अगर अंतुतु स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Moto G54 5G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 4,73,000 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Realme के 12 Plus 5G का जो अंतुतु स्कोर निकल के आता है 6,05,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ मोटो G54 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3,400 निकल के आता है, वही दूसरी तरफ Realme के 12 Plus 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4,400 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 12 Plus 5G में 6.67 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में 6.5 इंच की फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में 6000 रुपीज का एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है, फिर भी दोनों स्मार्टफोन में OIS वाला एक्सीलेंट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। पर Realme के 12 Plus 5G के कैमरे के पास एक एडवांटेज है कि आप लोग फोन के बैक कैमरे से भी 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.88 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है जिसका अपर्चर f1.8 अपर्चर देखने को मिल जाता है, बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ और कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, पर फोन के बैक कैमरे से आप लोग सिर्फ फुल HD वीडियो ही आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो उसमें तो इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.4 अपर्चर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Realme के 12 Plus 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसका अपर्चर f2.45 अपर्चर देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर RGB फीचर की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद मोटो G54 5G में Dolby Atmos देखने को मिल जाता है, जबकि Realme के 12 Plus 5G में Dolby Atmos देखने को नहीं मिलता। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ मोटो G54 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है 30 वाट के टर्बो फास्ट चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ Realme के 12 Plus 5G में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है पर 67 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए Realme के 12 Plus 5G में आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, वही दूसरी तरफ मोटो G54 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो अब बात करिए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। जिस तरह इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में डिफरेंस देखने को मिल जाता है, उसी तरह इन दोनों स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन में भी डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग 15,000 रुपीज से कम के प्राइस में एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो आप लोगों को मोटो के G54 5G की तरफ जाना चाहिए, पर अगर आप लोग का बजट 20,000 रुपीज के आसपास का और उसमें आप लोग एक अच्छा ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे जिसमें गेमिंग के लिए एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल जाए, फोटोग्राफी के एक अच्छा कैमरा सेटअप देखने को मिल जाए, बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले देखने को मिल जाए, तो आप लोगों को Realme के 12 Plus 5G की तरफ जाना चाहिए।